नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ एडवोकेट अली काशिफ खान देशमुख। कल ही आप लोगों ने सुना होगा कि पूनम पांडे एक्ट्रेस जो है उनका देहांत हो गया सर्विकल कैंसर जैसे सीरियस डिजीज की वजह से। और सडनली आज सुबह सुबह पता चलता है कि ये सारा फ्रॉड था, ये सारी चीज़ जो है वो पब्लिसिटी स्टंट थी और इसको नाम दिया जा रहा है सोशल अवेयरनेस का। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमने जो है वो पुलिस स्टेशन में अंधेरी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल किया है एक्ट्रेस पूनम पांडे के खिलाफ और डिमांड की FIR की, क्योंकि इन्होंने एक बहुत सीरियस फ्रॉड किया, इन्होंने चीट किया हुआ और इन्होंने जो है लोगों के इमोशन से खेला हुआ है। क्यों? क्योंकि चार लोगों के फैंस वगैरह की बात अलग होती है, बट यहाँ पर इशू ये है कि यहाँ पर जो है वो एक सीरियस डिजीज बीमारी का मजाक उड़ाया गया है। एक लोगों के दिमाग में बात डाल दी गई है कि सर्विकल कैंसर से काफी लोगों की देहांत हो सकती है और लोगों के दिल में डर डाल दिया गया है। आज की तारीख में जो सर्विकल कैंसर से जो औरतें जो महिला है जो जूझ रही होगी उनके दिलों में एक दहशत आ गई रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से इसको फैलाया गया है ये फेक न्यूज प्रोपोगंडा, उस चीज की वजह से जो है इनको रिप्रीमांड करना चाहिए, इनको जो है वो लीगली सबक सिखाना जरूरी है। इनको समझ में आना चाहिए कि आप पब्लिसिटी के जो भूखे लोग हैं इन लोगों को जो है वो अपनी सीमा जो है वो पार ना करें, अपने दायरे में रहकर काम करिए। आपको पब्लिसिटी चाहिए, आप जितनी भी हरकतें करते हैं जो भी आपके रिकॉर्ड्स है पास्ट रिकॉर्ड्स है आप उस चीज के लिए आपको जो करना है आप अपने हिसाब से करिए, कानूनी दायरे में रखे। लेकिन ये सीरियस बीमारी का मजाक उड़ाना और इस तरीके से इसके साथ खेलना खिलवाड़ करना और हंस हंस के वीडियोज डालना ये सब चीजें जो है वो बिल्कुल सही नहीं है और ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है इन्होंने और इन्होंने लोगों के जज्बात से खेला है, क्योंकि लोगों के दिल में जिस तरीके का डर डाला गया है बहुत गलत है। अभी आज की बात है ये कि सुबह सुबह इनका जो है वो सोशल मीडिया पे अपडेट आता है कि ये कोई हॉटरफ्लाई नाम की एप्लीकेशन पर जाके ये पूरी जो है वो अपडेट देगी कि कैसा हुआ था क्या हुआ था। तो मैं कहना चाहूंगा ये कि ये ओपन कंप्लीट फ्रॉड है, बिकॉज ये हॉटरफ्लाई और इनकी कोई कनेक्टिविटी है और ये इन लोगों ने आपस में इन लोगों को समझौता होगा तब जाके इन लोगों ने फाइल किया। तो हमने इस चीज के बारे में जो भी अपडेट है वो आज पुलिस स्टेशन में फाइल किया है, जो भी चीज सच है वो बाहर आकर इनके ऊपर FIR की मांग की है कि इनके ऊपर FIR होना चाहिए 400 की 417 के अंदर, क्योंकि ये चीटिंग ये फ्रॉड किया गया बहुत बड़ा और लोगों के साथ जो है वो खिलवाड़ की गई है और इस तरीके की चीजों को कोई एंटरटेन ना करे, क्योंकि ऐसे लोगों को जो पब्लिसिटी के भूखे लोग हैं इनको जो है वो पब्लिसिटी के लिए कुछ भी चीज कर सकते हो। और मीडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे चीजों को कवर ना करें जिस तरीके से जो कवर किया गया है, ये बहुत बड़ा एक फ्रॉडुलेंट काम किया गया है। तो हमारा डिमांड है मुंबई पुलिस से कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनके ऊपर FIR रजिस्टर करके इनको लीगली जो है वो सबक सिखाया जाए ताकि ऐसी चीजें फ्यूचर में कोई रिपीट ना करें।